भिंड कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक असित यादव ने सोमवार को भिंड सभागार में विधानसभा वार्ड बनाए गए ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 17 नवंबर को जिले की 5 विधानसभाओं में मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम सहित अन्य निर्वाचन सामग्री को यहाँ सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है, साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। देखिए, स्ट्रांग रूम में ना 3 लेयर्ड सिक्योरिटी लगी है। सबसे जो इनरमोस्ट क्वार्टर है उसमें जो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसकी पूरी एक कंपनी है, एक एक प्लाटून 3 शिफ्ट्स में काम करेगी 8-8 घंटे की। उसका जो सेकंड लेयर होता है वो एसएएफ का होता है, उसमें 1-4 का गार्ड रहता है, वो चारों आगे पीछे और दाएं बाएं इस डायरेक्शन में रहेगा। सबसे जो भारी क्वार्टर होता है उसमें जो हमारे डीएफ का बल है उसका पूरा सुपरविजन एक जीओ रैंक ऑफिसर उसका करता है और बाकायदा वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करेगा। ड्रोन कैमरा का नहीं, वो तो इन ड्रोन कैमरा का भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।